हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है टेनिस नॉलेज पॉइंट। आज हम लोग इस वीडियो में, इस लेसन में हम लोग बात करने जा रहे हैं, वो है कि अभी किसान लोगों के बीच में एक असंतोष की भावना पनपी है, और उसका मेन वजह है कि अभी संसद के द्वारा 3 बिल पास कर दिया गया है। वो 3 बिल जो है किसानों से संबंधित, उनके हितों से संबंधित है। सरकार का अपना पक्ष, सरकार का कहना है कि अभी जो ये 3 विधेयक लाया गया है, ये तीनों विधेयक जो है सरकार किसानों के हित में लाकर, हित में सोच कर ये लाई है। इसके साथ साथ किसानों का जो 2021 तक जो इनकम डबल करने की भावना जो रखी गई थी, उसी के मद्देनज़र इस तरह का एक डिसीजन लिया गया है। और किसानों को इनकम बढ़ाने के लिए, उनके प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का मार्केटिंग करने के लिए, उसी से संबंधित 3 बिल लाया गया है जो कि किसानों के लिए फ़ायदेमंद है, ये सरकार का अपना कहना है। उसको अपोजिट में देखेंगे तो विपक्ष या उसके साथ साथ जो किसान लोग हैं, इस बात से काफ़ी नाराज़गी हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर जो है इस पर ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके बारे में हम लोग डिटेल एक एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम लोग मुख्य मुख्य बिंदु को हम लोग समझेंगे, जो कि आपका बीपीएससी मेंस जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, साथ साथ इंटरव्यू के लिए भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं तीनों बिल को। पहला बिल है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। इस बिल में बेसिकली, इस विधेयक में जो लाया गया है, इसमें है कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको कैसे मार्केटिंग किया जाए, उसको ट्रेड और कॉमर्स को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उससे संबंधित ये बिल लाया गया है। उसके लिए है कि हम लोग ई मंडी वगैरह बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग वगैरह का बढ़ावा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल को अगर समझेंगे, फार्मर्स प्रोड्यूस यानी किसानों का जो उत्पाद है उसका ट्रेड और कॉमर्स की बात किया जा रहा है, जिसमें प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन मतलब उनको प्रमोट किया जाएगा और उनको सम्मान दिया जाएगा, तो फैसिलिटेशन बिल 2020। सेकंड बिल जो है वो है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल। मतलब दूसरा जो विधेयक लाया गया है, इसमें है कि फार्मर्स यानी किसानों का एम्पावरमेंट की बात किया जा रहा है, उनको सशक्त बनाने की बात किया जा रहा है, उसके साथ साथ उनको प्रोटेक्शन भी दे रही है। अगर कुछ विपरीत स्थिति आती हो तो ऐसे में किसान कैसे सुरक्षित रखे, तो उसको लेकर भी बिल रखा गया है। एक किस लिए है, प्राइस एश्योरेंस, मतलब किसानों को अब जो प्राइस है, जो उनको प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसके बारे में आश्वस्त रहे, एश्योर किया जाए कि आपको वो प्राइस मिलेगा, उसी संबंधी फार्म सर्विस बिल 2020 है। इसमें बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, और इसके साथ साथ जो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व होंगे, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट होगा, वेयर हाउस गोदाम वगैरह इसमें बनाए जाएंगे। तो ये फार्मर्स एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल, ये दूसरा विधेयक हो गया। तीसरा देखिए वो है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। एसेंशियल कमोडिटीज जो जरूरत की वस्तु है उसमें संशोधन, जो पहले जो था एक्ट उसमें संशोधन करने के लिए ये बिल 2020 को इसको लाया गया है। इसको लाने का जो मुख्य मकसद है वो है कि जो स्टॉक है, स्टॉक में अभी जो स्टॉक का जो लिमिट है उसको, लिमिट को एक्सटेंड किया जाएगा, और स्टॉक पे जो है कब तक कितना स्टॉक रहेगा इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस पर अपना निर्णय लेगी, खासकर स्पेशली जो वार और फेमाइन, अकाल और जब युद्ध के समय जो हमारा एसेंशियल जो फूड आइटम्स है, खाद्यान्न है, उनमें कमी ना हो, उसके लिए एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल के द्वारा उसमें सुधार ला के, संशोधन ला कर उसको स्टॉक रखा जाएगा, स्टॉक लिमिट को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसके कुछ प्रोस एंड कॉन्स देखते हैं। देखिए बिल के बारे में हम लोग एक संक्षिप्त, इसके बारे में बिल को सिर्फ अगर मेंस के आंसर लिख रहे हैं, इस बिल का नाम तीनों का बस आंसर में लिख दीजिएगा, पूरा डिटेलिंग इसको एक एक बिल को समझने की जरूरत नहीं, बस बिल का मीनिंग समझ लीजिए कि बिल में है क्या। अब इस बिल का प्रोस एंड कॉन्स देखते हैं। प्रोस, इसमें फ़ायदा क्या है, APMC जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी, अभी बोला जा रहा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी जो है, पहले ये सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए डील करता था, अभी बोला जा रहा है कि अब इसके बाहर भी किसान जो है डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, किसान का मतलब एक दायरा बढ़ गया, वो डायरेक्ट सेल कर सकते, तो ये एक अच्छी बात है। चूँकि मैं इसको पॉजिटिव और निगेटिव की बात में कर रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव में भी बात कर रहा हूँ। प्लस इस बिल से फ़ायदे क्या जो सरकार के द्वारा ही बताया गया, और फ़ायदा ऐसे क्या हो सकता है। दूसरा है कि रिमूव स्टॉक होल्डिंग, स्टॉक होल्डिंग का जो लिमिट है कि इतना ही स्टॉक रखा जाएगा उसको भी हटाया जा रहा है, ठीक है। तीसरा देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी बढ़ावा दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप सभी जानते होंगे, आप लोग पढ़े भी होंगे एग्रीकल्चर सेक्शन में। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब होता है कि कोई किसान अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को उपजाता है, जैसे कोई प्याज उपजाया है,
उसके लिए पहले कोई जो बिजनेसमैन है वो 50 किलो प्याज का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया किसान से कि अगर अच्छी प्रोडक्टिविटी, इस तरह के प्रोडक्ट, इस तरह का क्वालिटी का अगर प्रोडक्ट होगा तो हम आपके यहाँ से 50 किलो प्याज खरीद लेंगे, बस कि बसाते उसका क्वालिटी जो दिया गया है वो क्वालिटी वो होना चाहिए। तो ठीक है, उसके बीच दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया है व्यापारी जो है वो कुछ पैसा जो है किसानों को दे देता है एडवांस। तो किसानों को जो कुछ पैसा दे देता है तो उससे क्या है कि अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में इनपुट करता है। इनपुट करने के बाद उसका मार्केट फिक्स है कितना 50 किलो जो प्याज है इस रेट से बिक जाएगा। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात किया जाए तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा, इससे कई प्राइवेट सेक्टर भी दायरे में आ जाएंगे। ठीक है, चौथा है कि इससे फ़ायदा क्या है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब इसमें कि चूँकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और इस तरह कंसेप्ट लाया जाएगा तो प्राइवेट फार्मिंग, प्राइवेट जो कंपनियां हैं इन्वेस्टमेंट है वो आएगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आने से क्या हो जाएगा कि जैसे कि अगर कोई कंपनी आती है इसमें इन्वेस्ट करती है तो हमारा एग्रीकल्चर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जैसे कि मंडी हो गया, गोदाम हो गया, वेयर हाउस हो गया, या फिर कुछ और भी जो कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीज़ें हुई जो एग्रीकल्चर के लिए कृषि के लिए ज़रूरी होता है उसमें इन्वेस्टमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, तो ये भी एक फ़ायदेमंद भी है। और पांचवा देखिए, वन नेशन वन मार्केट के कंसेप्ट पे लाया जा रहा है कि अभी चूँकि बोला जा रहा है कि APMC के बाहर भी किसान जो है डायरेक्ट इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट अपने राज्य में, अपने राज्य के साथ साथ तो दूसरे राज्यों में भी वो डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है कि ये वन नेशन वन मार्केट का कंसेप्ट पे काम कर रहा है। तो ये पांच पॉइंट जो है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा प्रोसेस है जिससे कि फ़ायदा हो सकता है। अब किसान लोग जिसको लेकर जो आंदोलन कर रहे हैं, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं कि निगेटिव पॉइंट जो है वो है, सबसे पहला चीज़ देखिए एम्पावरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जिस तरह का ये बिल लाया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने डिसीजन में जो है वो अपने आप को ज़्यादा मजबूत बना रहा है। एग्रीकल्चर हम लोग जैसे हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर मार्केटिंग ये दोनों जो है स्टेट सब्जेक्ट है। हम लोग 7th शेड्यूल में हम लोग पढ़ते हैं, 3 लिस्ट होता है, स्टेट, यूनियन और कंकरेंट। तो ये स्टेट लिस्ट में आता है एग्रीकल्चर। तो अब इसमें देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप को इसमें दखलंदाजी कर रहा है, काफ़ी एम्पावर कर रहा है। दूसरा जो नाराजगी है किसानों का वो है लैक ऑफ कंसल्टेशन। इसको ऑर्डिनेंस के द्वारा पहले लाया गया और ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत जल्दीबाजी में है बिल पास करने का, तो इसको लेकर भी किसानों में एक नाराजगी हो रही है कि ऐसा है, क्या है जो कि इतनी जल्दी ये बिल पास करने के लिए पसंद है। पहले इसके बारे में लोगों में कंसेंसस बनाते, लोगों से बात करते, किसानों से बात करते, समझते प्रॉब्लम्स क्या है और ये क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो विदाउट एनी कंसल्टेशन आप जो इस तरह के बिल लाते हैं, खासकर जब ऑर्डिनेंस के द्वारा लाते हैं, इतनी ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी, इसको लेकर थोड़ा विश्वास है। तीसरा देखें कि अब चूंकि बोला जा रहा है कि APMC एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी जो है अब नहीं रहेगा, उसके बाहर भी इन लोग काम करते, डिफिकल्ट टू डील विथ कॉर्पोरेट। अब किसान क्या है कि किसान डायरेक्ट कॉर्पोरेट वर्ल्ड से कैसे डील करेगा। पहले था कि APMC जो है डील करता था, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको वो मार्केट में सप्लाई करता था, बड़े बड़े जो भी और भी लोग हों उनको देता था। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है, किसान जो डायरेक्ट कॉर्पोरेट वर्ल्ड से अगर डील करेगा, जैसे कि अगर आलू प्याज से कुछ है उपजाया और डायरेक्ट रिलायंस को बेचता है, तो ऐसे में क्या है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड का पर्दा भारी होगा और डिसीजन कहीं ना कहीं उसके फेवर में ही जाता है। तो ये भी देखा जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ी कमी है APMC नहीं होने की वजह से। चौथा देखा कि इनपुट कॉस्ट रेज हो सकता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को हम लोग उपजाने के लिए जो इनपुट कॉस्ट है बढ़ सकता है, लेकिन उसके तुलना में जो हमको मुआवजा चाहिए, रिम्यूनरेशन, वो जो है लोअर होगा, वो कम नहीं होगा, कम होगा उसके तुलना में जितना इनपुट बढ़ेगा। पांचवा पॉइंट है, सबसे बड़ा जो पॉइंट विवाद का कारण वो है MSP। इसमें बोला जा रहा है कि APMC अगर हट जाएगा तो MSP का बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब होता है कि एक ऐसा गवर्नमेंट एक प्राइस फिक्स करती है कि अगर उससे कम दाम होता है उस प्रोडक्ट का, जैसे कि आलू का दाम अगर सरकार जो है 10 रुपये किलो नाम मानती है, उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस 10 रुपये ऐसे क्विंटल के भाव से होता है तो उसको मानती है, तो ऐसे में अगर 10 से 9 रुपये प्राइस गिरता है तो वैसे हालत में वो 10 रुपये के हिसाब से किसान से डायरेक्ट सरकार वो खरीद लेगी, उसको गोडाउन में अपना रख लेगी। तो इस तरह से है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो एक सपोर्ट प्राइस जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसको देखा, अभी देखे होंगे चर्चा भी है, रबी का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाया गया है। तो ये सारे प्रोस और कॉन्स हम लोग डिस्कस के लिए, अब इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, अब ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ जो है ये आपको इंटरव्यू के लिए भी आपको ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए कि ऐसे में क्या किया जाए,
तो कोशिश कहना चाहिए कि स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट आया था मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए, जो स्वामीनाथन कमेटी का जो रिपोर्ट आया था उसको लागू किया जाए। दूसरा है कि जो हमारे यहाँ नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट हो गया है, ई ट्रेडिंग हो गया, तो उसको बढ़ावा दिया जाए, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली जो प्रोडक्ट है उसको भी बढ़ावा दिया जाए और इंटरेस्टेड प्रोडक्ट को बेचा जाए। तीसरा देखें कि वो कंसेंसस, जिस वजह से किसानों में नाराजगी है उसको लेकर पहले एक सहमति बनाया जाए और उसके बारे में, इस चीज़ के बारे में किसानों को समझाया जाए कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। अभी प्रधानमंत्री के द्वारा ट्वीट करके बताया गया कि MSP को किसी हालत में हटाया नहीं जा रहा है, लेकिन चूंकि ये बोल रहे हैं तो ऐसे में विश्वास किसानों का अभी तक नहीं बन पाया है, तो ऐसे में अभी ज़रूरत है कि किसानों को विश्वास मिले, किसानों को बताएं कि नहीं हटाया जा रहा या फिर उनकी जो समस्या है उसको सुना जाए। चौथा हो गया कि कंपटीशन। अब जो है अगर ऐसा है तो इसको कंपटीशन की भावना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में कंपटीशन की भावना बढ़ेगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेटर और भी बेटर होता चला जाएगा। पांचवा हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन। अब है कि ऐसे में कि किसान अगर APMC हट रही है तो किसान अपना कुछ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं जिससे कि किसान जो है अपने हितों के बारे में सरकार से अपना पक्ष रख सकें। ये सारी चीज़ें अगर फॉलो करते हैं तो हमारा जो विवाद है वो बहुत हद तक समाप्त हो सकता है। तो आज मैंने व्हाइट बोर्ड पर बहुत दिनों के बाद मैं क्लास लिया हूँ। आज उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को हम लोग और भी इसी तरह से व्हाइट बोर्ड पर हम लोग क्लास कंटिन्यू रहेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय बाय एंड टेक केयर।